भागवत में एक प्रसंग आता है परम भागवत महाराज श्री अम्बरीश जी महाराज का, आहा अद्भुत महापुरुष। ठाकुर जी के इतने बड़े भक्त कि दिन ना रात ठाकुर जी की सेवा में अपने हाथों से भगवान के बर्तन साफ करे, झाड़ू लगावे, अपने हाथ से हल जोत करके अन्न उपजावे, बल्कि सम्राट थे, राजा राजा थे। कितने नौकर नहीं, पर नौकरों से कोई काम नहीं। बुरा मत मानना, नौकरों से काम अन्न करवाना, पर गुरु सेवा, प्रभु सेवा और मातृ पितृ सेवा नौकरों से नहीं, खुद से करना अगर आनंद चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो माता जी की सेवा कर नहीं पाते, नौकर लगा रखे। नौकर नौकर है, फल तो तब मिलेगा जब आप स्वयं सेवा करोगे। तो ये कथा सिखाती है राजा अम्बरीश जी, आहा परम भागवत बहुत भक्त है। ठाकुर जी को ध्याते, अपने हाथों से हल जोतते, अन्न उपजाते, चक्की से आटा पीसते। कौन सी? हाथ वाली चक्की से, स्वयं हाथ वाली चक्की से आटा पीसते पीसते जब पसीना आवे तो ठाकुर जी भी ऐसे बिरले भक्तों पर इतना प्रेम लुटाते कि ठाकुर जी स्वयं पंखा लेकर के हवा करने लगते ताकि पसीना न आवे अपने हाथों से। आहा हा, प्रसाद बनावे, भगवान को भोग लगावे। उसी समय एक राजकन्या ने प्रण किया कि हम विवाह करेंगे तो ऐसे ही भगवत भक्त राजा से करेंगे, और इनकी पहले ही विवाह हो चुके थे। उन्होंने अपने पिता के द्वारा प्रस्ताव भेजा तो श्री अम्बरीश जी महाराज ने, राजा अम्बरीश परम भक्त, इन्होंने जवाब दिया कि देखो हम समय नहीं दे पाते हैं, विवाह करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हम भगवान की भक्ति में पूरा समय व्यतीत करते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। और किसी का मन हीन ना हो, अनेकानेक प्रकार के संकल्प भावों को आश्चर्यचकित होकर के देखते कि कोई रात्रि काल में आकर भगवान के वर्तन आदि को खूब शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से साफ करके रख जाता है, खबर नहीं है कौन है, यहां तो आना सबका निषेध है। अनेक रानियां थी राजा की, बाकी रानियां सब राज भोग भोगती रहती थी भवन में, पर वही छोटी राजकुमारी जो छोटी पत्नी सबसे नया नया विवाह भया था, वो राजा के धर्म कर्म में इतनी आसक्त थी कि वो रात्रि में जाकर के पूजा मंदिर में जाकर ठाकुर की सेवा करती थी, साफ सफाई शुद्ध रखती। एक दिन राजा रात्रि काल में छिपकर देखते हैं कि ये हमारे पूजा भवन में कौन आता है। देखा कि एक सुंदर नवयुवित कोई कन्या वधु साफ सफाई कर रही है, तो राजा ने जाकर के पकड़ लिया, कौन हो, सावधान, खबरदार, और तुम हमसे बिना आज्ञा लिए यहां कैसे प्रवेश किए। और जैसे ही आकस्मक राजा को देखा तो तुरंत वह नवयुवक वधु राजा की पत्नी चरणों में गिर गई, भगवान मैं आपकी अर्धांगनी हूं, जिसने खड़ग के साथ विवाह किया मैं वही हूं। ओ राजा चौंक गए, वाह कितना अद्भुत भाव है, देवी अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही जिज्ञासा है ठाकुर जी की सेवा की तो एक काम करो, इन ठाकुर जी को अपने भवन में अपने कक्ष में पधरा लो, वहां सेवा करो। भक्तमाल में यह भाव आया तो वह वधू प्रसन्न हो गई, अपने पति को पुनः प्रणाम करके ठाकुर जी को अपने भवन में ले जाकर के स्थापित कर ली। अब तो वो नित्य ठाकुर जी को लोरी सुनावे, बढ़िया प्रसाद लगावे, भगवान को शयन करावे, भगवान का अर्चन बंदन पूजन नैवेद्य आदि प्रसाद चढ़ावे भावपूर्वक, और आंखों में बार बार आंसू भर भर करके भगवान को गीत सुनावे। एक दिन राजा आकस्मक ऐसे ही विचरण कर रहे थे तो प्रातः काल वही छोटी वधु के भवन में, चूंकि भाव में तो वो चढ़ गई थी, कक्ष में पहुंची, और जैसे ही कक्ष में पहुंची तो राजा का मन स्तब्ध रह गया। वह सुंदर गायन
ठाकुर जी के प्रति भाव को रिझा रही थी, बैठी बैठी गोविंद के गीत गा रही थी, आंखों से अश्रु धार धर 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 करके बह रही थी, पूरा अंग का वस्त्र गीला हो रहा था नेत्रों की धार से, अश्रु धार से। और राजा यह भाव की विवलता को देखकर अपनी सुध भोगल को भोगल के भूल कर धड़ाम से वही जमीन पर गिर पड़े। जहां जमीन पर गिरे सुरानी का भाव दूर हुआ, गौर से देखा, अरे भगवान आप, महाराज आप, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो राजा ने कहा कि एक बार फिर सुनाओ, जो गीत अभी आप ठाकुर जी को सुना रही थी फिर सुनाओ। अब तो राजा की प्रतिदिन आदत हो गई महाराज अम्बरीश जी की, रोज अपनी नव विवाहित वधू के साथ बैठ करके पूजन करें। रानियों को जो अन्य रानियां पहले से विवाह कर चुकी थी उनको खबर लगी कि राजा तो आजकल छोटी वाली से बड़ा प्रेम करते हैं। बोले इसने बस में कैसे किया, बसीभूत। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कोई वसीकरण मंत्र होगा। हाँ, तो किसी ने बताया नहीं 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 नहीं, राजा तो भगवत भक्त हैं, भगवत भक्ति के कारण वह जो है रानी को बड़ा मानते हैं। तो जितनी रानियां थी सब भगवत भक्त बन गई। और धीरे धीरे जब पूरे राज्य को पता लगा कि राजा भक्ति पर बहुत प्रसन्न होते हैं, तो राजा के साथ साथ संपूर्ण प्रजा भी भगवान की भक्त हो गई, ठाकुर जी के भक्त हो गए सब। तो सब भगवान के गीत गाने लगे। साधु जी, यह है विवाह जिसके आने से संपूर्ण घर, संपूर्ण समाज, स्वयं पति पुत्र आदि आदि संबंधी जन जिसके घर पर आने से भगवत भक्त बन जाए, ऐसी पत्नी को ही धर्म पत्नी कहा जाता है। बाकी आजकल की तो कुछ महान देवियां, राम जी बचावे, बोलो सीताराम।